कौन है रे भाई? गाइस कैसे हो यार आप लोग, आ चुका एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ और आ चुका हूँ अपार्टमेंट। अब वैसे अगेन ये रैंडम्स के साथ गेम प्ले है, लेकिन भाई लास्ट तक जाते आते ना जो इंटेंस सिचुएशन बनने वाला है, तो भाई बिल्कुल मिस ही मत करना उसको, मैं बता दे रहा हूँ तुमको। वैसे आगे का मिस कर तो वो चलेगा। फिलहाल यार मेरे पास कोई गेम प्ले बचा हुआ नहीं था, यही गेम प्ले बचा हुआ था तो मैं सोचा चलो इसको ही अपलोड कर देते हैं। और थोड़े दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब चल रहा है और फिलहाल अब ठीक है तबीयत, तो अब गेम प्ले वैसे आएगी, तुम टेंशन मत लो। और गाइस जितना सपोर्ट दिखा सकते हो यार प्लीज़ दिखाओ। फिलहाल अपार्टमेंट हम लोग को बंदे नहीं दिखते हैं, तो हम लोग आते हैं यार बंदे खोजने शेल्टर के पास। और यहाँ पे एक स्क्वाड मेरे मुंह के एकदम सामने, निपटाते हैं इनको। अरे एक बंदा नॉक है, आओ जल्दी इधर। दो नंबर जल्दी आओ गाड़ी लेकर, जल्दी इधर कर रहे इसको। दो नंबर यार तुम लेट हो गए यार। फॉर्म अप ऑन मी भाई, क्या बताऊं एक नंबर टीममेट के बारे में। भाई इतना चिल्ला रहा होता है कि फोकस ही हटा दिया था, मतलब उसको तो बचा नहीं पाता, लेकिन हाँ बाद में रिकॉल कर देता हूँ उसको। और तीन नंबर स्कूल में था और इसके पास में बंदे आ गए थे, तो थोड़ा देखते हैं इन बंदों को भी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया था, और जो उसके टीममेट वगैरह थे ये ऊपर वाली बिल्डिंग पे कैंप कर रहे हैं, जिसकी हम लोग को फुटस्टेप यहाँ पे आराम से आ रही है। और पहाड़ी पे भी कुछ बंदे आ चुके हैं तो उनको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इन बंदों को खत्म करते जो सर के ऊपर बोझ बने हैं। अब सच बताऊंगा यहाँ पे मैं कदम फूक फूक के रख रहा होता हूँ, क्योंकि भाई मुझे सच में नहीं पता था कहाँ पे बंदे थे, लेकिन जा तुम देखो कहाँ से निकलेंगे। भाई एक बंदा इधर एक बंदा उधर, मतलब हार्ड फेल कर दिया था इन लोगों ने। फिलहाल इन दोनों को फिनिश कर दिया था, और यहाँ से मैं सीधा जाता हूँ पहाड़ी के पास और थोड़ा रोटेट करके जाता हूँ, क्योंकि देखो यार पहाड़ी वाले बंदे फाइट ले रहे थे मेरे टीममेट के साथ में, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एंगल वगैरह चेंज कर लूँ इनके ऊपर और फिर पेलूँ इनको। और यहाँ पे मैं 1% का भी मिस नहीं करना चाह रहा था बुलेट, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे मैं मिस करता ना तो उन लोग को मेरी लोकेशन पता चल जाती और वो बंदे सतर्क हो जाते। और हम लोग को ये बात भी अच्छे से पता थी कि जो रिजॉर्ट के रिकॉलिंग टावर है वहाँ पे भी कुछ बंदे हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ी वालों को पहले फिनिश करना था। भाई सच बताऊंगा इस बंदे को जो मैंने नॉक किया है ना, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये नॉक होने वाला है, क्योंकि यार ये फाइट ले रहा था मेरी टीममेट के साथ में और पीछे से आके मैं इसको भून दिया, तो इसको लगा था कि मेरी टीममेट के साथ ही फाइट हो रहा है और ये कवर में तो बच जाएगा, लेकिन साइड में मैं था तो भाई को फिनिश कर दिया। और इसके टीममेट यहीं पे हैं, देखते हैं उनको। भाई यहाँ पे मैं मरने वाला था टीममेट का गलत कॉल के वजह से, मतलब वो मार्क कहीं और कर रहा है, बंदा कहीं और है। भाई जब पता नहीं होता है तो मत ही मार्क किया करो यार। फिलहाल मैं वहाँ से निकल के आता हूँ पोचिंग की, क्योंकि हम लोगों को पता था भाई यहाँ तो निश्चित बंदा मिलेगा ही मिलेगा। और एक बंदा इस वाले घर के पीछे आके छिपा है जस्ट अभी, देखते हैं उसको।
अब सच बताओ, यहाँ पे मुझे लगा था ये बंदा अकेला नहीं होगा, इसके टीममेट वगैरह भी आसपास कहीं पे होंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर से चेक करने जाता हूँ, लेकिन भाई अकेला होता है वैसे ये बंदा। अब यहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखती है पोचंकी के अंदर, तो इसका मतलब पोचंकी के अंदर भी कुछ बंदे हैं, तो उसको भी जाएंगे पेलने के लिए। फिलहाल इसको फिनिश कर देते हैं। भाई के पास में M24 मिल जाती है, मैं M24 ले लेता हूँ और सीधा यहाँ से जाकर रश करता हूँ पोचंकी। लेकिन भाई पोचंकी छान लिया था, पोचंकी बंदे नहीं मिले थे, तो यहाँ से मैं जाता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। भाई ड्रॉप पे मेरे को मिलती है MK, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं उठाता। लेकिन इतने में मेरा टीममेट पोचंकी से क्रॉस कर रहा होता है और उसको किसी ने भग दिया था, तो इसका मतलब पोचंकी पे बंदा है जो कि कैंप कर रहा है। जाते हैं उसको खत्म करने यार, टीममेट को लुड़काया है ऑब्वियसली। भाई मुझे कोई ये बात बताओ कि अगर आप मर जाते हो तो फिर आप क्यों ज्ञान पेलते हो? जब आप जिंदा रहते हो उस समय तो भाई आप कुछ कर नहीं पाते, तो भाई क्यों ही ज्ञान पेलते हो यार? बहुत लाइक अजीब लगता है, लेकिन चलो हाँ मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन चलो छोड़ो, हटाओ उस बारे में, वैसे मैं पता हूँ। फिलहाल यार पोचंकी के अंदर बंदे होते हैं, मेरे टीममेट ऐसा कॉल दे देते, तो हम लोग जितने भी बंदे बचे होते हैं भाई सब चल जाते हैं उस बंदे को फिनिश करने। अब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि एक बंदा स्नाइपर टावर के अंदर है, तो हम लोग यहाँ से नेट वगैरह मारने का ट्राई करते हैं, बट मैं घुस जाता हूँ भाई थोड़ा हिम्मत बांध के कि भाई मैं जाऊँगा पेल के आऊँगा। लेकिन अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आती है और बंदे आ रहे होते हैं। सॉरी भाई नहीं कर पाए यार भाई। भाई एक को नॉक कर दिया था, दूसरा टीममेट ये रहा जो कि चला गया कवर में, तो जाते थोड़ा फिनिश करने उसको। अब देखो ये दो बंदे यहाँ पे नहीं थे, ये टोटल तीन बंदे थे, मतलब एक बंदा बाहर में है जो कि ये देखो। भाई यहाँ पे मेरा एम क्या ही गलत हिला है, तुमको क्या बताऊँ, यहाँ पे मैं मरते मरते बचाऊँ। थैंक गॉड टीममेट थे जो कि बचा लेते हैं। और इस वाली बिल्डिंग के ऊपर एक और बंदा होता है जो कि इनका ही टीममेट होता है, वो जंप कर डालता है और इस बंदे के पास में MK49 है, 4 नंबर के पास में। जब तुम देखो भाई का रिलोडिंग चल जाता है और बंदा रश कर देता है हम लोग पे, गया रिलोडिंग, भाई को फिनिश कर देते हैं। बस ये सीधा रश कर रहा था हम लोग पे, ये सोच के कि हम लोग लो होंगे तो फिनिश कर देगा, लेकिन भाई को निपटा दिया था। और फिर पीछे के साइड में जो स्नाइपर टावर होता है पोचंकी का, वहाँ पर ड्रॉप गिरा था, तो हम लोग को उम्मीद था बंदा मिलेगा वहाँ पे। और सच बताओ यहाँ पे दो टीम होती है और दोनों आपस में फाइट कर रही होती है, तो थोड़ा यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हैं। बहुत दिन हो गया थर्ड पार्टी नहीं किया है। अब सामने बमबारी भी हो रही होती है, तो समझ में आ गया था भाई कि ये दो टीम ही है। लेकिन सच बताओ यहाँ पे मैं भी अभी श्योर नहीं था कि यहाँ पे टोटल कितने बंदे हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो झाड़ियां हैं, घास है, बंदे कहीं भी सामने बन सकते हैं। फिलहाल एक बंदा नॉक है, मुक्ति दे देते हैं उसको। एक बंदा स्नाइपर टावर के अंदर, खट से मारा भाई एकदम, बंदा वैसे लुढ़क गया था। अब हम लोग को यहाँ पे लग रहा था भाई कोई नहीं है, तो यहाँ पर मैं टीममेट को बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ लूटने इनको, और तभी देखो भाई ये नागिन, क्या बोलूँ उनके बारे में, अब बे टीममेट भी पीछे से आ गए होते हैं थोड़ा किल वगैरह सिक्योर कर लेने के लिए, लेकिन किल मेरा था तो मैं ले लेता हूँ। फिलहाल उनको फिनिश करने के बाद पहाड़ी पे कुछ बंदे आ गए होते हैं जिनका हम लोग को ध्यान रखना था। देखो सामने शील्ड बना हुआ है। अब देखो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तुम लोग इधर से फाइट लेने का ट्राई करो उनके ऊपर, और मैं थोड़ा सा पीछे से जाता हूँ थोड़ा रोटेट करके उनको फिनिश करने के लिए। और भाई यहाँ पे मेरा ये आइडिया काम भी कर जाता है, लेकिन देखते जाओ भाई क्या स्कैम हुआ है यहाँ पे मेरे साथ। भाई कहाँ कहाँ से पड़ रही है मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। भाई का M249 था क्या, मतलब M249 बन गया था इसका। भाई फायर कर रहा था, कर ही जा रहा था। अब यहाँ पे मैं नेट थोड़ा सा भाई एकदम बीच में धोखा दे देता है, पिंग हाई था वैसे, मैंने उसको बुलेट हिट की थी आप लोग खुद देख सकते हो। और भाई सामने टीममेट है देखो तो बस तुम।
भाई स्वाहा कर देते ये लोग यार। फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हूँ मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइस आज का लाइक है मैं बस एक लाइक का, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।